अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक सिंह 24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला ख़ान। सक्कर से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद लतीफ़ मुग़ल। सांगर के रिहायशी मुजम्मिल खास खैली ने सक्कर प्रेस क्लब में अपने अजीज़ों के हमराह सक्कर के नामवर दीनी तालीमी दरसगाह जामिया अनवार मुस्तफ़ा सक्कर के असातिज़ा की मुबीना ज़्यादतियों और तशद्दुद किए जाने के ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दो दिन कबल मैं और मदरसे के दीगर तालिब इल्मों के साथ महवे गुफ्तगू था, तो इसी दौरान मदरसे के उस्ताद कारी जान मोहम्मद आए और उन्होंने मुझे बिला जवाब बदतरीन तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में मैं बेहोश हो गया। बाद अदीन जब होश आया तो मदरसे के एक और उस्ताद मौलवी अहमद के साथ मिलकर दोबारा तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि सरासर जुल्म और ज़्यादती है। शिकायत पर वाकई में मुलविस असातिज़ा मुझे मदरसे से निकालने की धमकियां दे रहे हैं। मुतासर तालिब इल्म ने बाला हुकाम समेत मदरसा हाजा के प्रिंसिपल और दीगर मुतालका दीनी उलमा इकराम से वाकये का नोटिस लेकर इंसाफ और तहफ़ फरहमी का मुतालबा किया है। और मदरसे में खाना पीना सुकून का है, रोटी कच्ची होती है, और मैं अपने मुबाद को सबूत दिखा सकता हूँ। मदरसे में जब भूल के देखा जाए मदरसे में जब गोश्त आता है तो बच्चे के बकरे दे जाते हैं, तो वो इसीलिए दे जाते हैं मदरसे के बच्चे खाएं। कैसे होता है वो गोश्त जो है उनके फ्रिज में पड़ा रहता है, जब दूसरा गोश्त दूसरा कोई बकरा आ गया दूसरा गोश्त आ गया तो वो फिर गोश्त उठा के फेंक दे। मैंने अपनी आंखों से एक देखा था, एक बकरा मैंने खुद ने काटा था, ठीक है रात के दिन आया था काटा फिर उनके फ्रिज में जगा रख जगाने की वो जगने के लिए, तो उन्होंने क्या किया एक छोटा सा बकरे का बच्चा था जो उसकी खाल भी निकाली हुई थी खीर दी हुई थी खाल भी नहीं था, वो फ्रिज निकाल के उन्होंने बाहर फेंक दी। मैंने दूसरे दिन जाके साइड में से उसकी फोटो निकाली, तो फोटो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, दिखाओ थोड़ी दिखा सकता हूँ बीच में सर उसकी फोटो पड़ी हुई है। आपको देख कर पता नहीं क्या हुआ, कितनी कितना छोटा बकरा जिसकी तस्वीर है। ठीक है, अम्मी सारी रात हॉस्पिटल में मेरे साथ मेरे सांझे की तरफ बैठी रही, बताओ विजय कौन सा इंसाफ है और मदद कौन सा कानून है जिसमें मदद से इस तरह का तशद्दुद किया गया। मुझे वो कानून दिखाया जाए बताया जाए और उसके बाद भले में इस दूसरा दे मैं देखता हूँ कि भाई इन दोनों को जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया देखो, अगर मेरी गलती जाए होती है तो मुझे सजा दो, और दोनों की गलती में आपको हर चीज बता चुका हूँ, जो चीज अलग से याद जो भी है हर चीज बताया। अभी उन लोगों को सजा देनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये मेरी अपील है, ये मेरी गुजारिश है।